हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर फैमिली, थैंक यू फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गोल्ड ब्लीच, जो कि कस्टमर है ब्लीच का और फेशियल का। तो फेशियल बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि ब्लीच और फेशियल दोनों साथ में शेयर किए तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। तो यहाँ पर हमने गोल्ड का क्रीम लिया है और इसमें एक्टिवेटर डाला है, थोड़ा सा कम हो रहा है तो और ज़्यादा ले रही हूँ। क्लिंजिंग करने से पहले मैं गोल्ड का जो ब्लीच होता है वो पहले मिक्स करके रखती हूँ, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा ज़्यादा लिया है यहाँ पे और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो पहले अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी, तब तक क्लिंजिंग हो जाएगा। अभी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा क्लीन करूँगी चेहरा। इस कस्टमर ने भी एप्रन नहीं डालने दिया, कोई कस्टमर एप्रन ही नहीं डालने देते, तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली काम शुरू कर देती हूँ। तो अभी थोड़े लॉन्ग हेयर की फैशन है, तो इसलिए कटिंग के कस्टमर थोड़े कम हो गए हैं, पर आते हैं कभी कभी। पर ज़्यादा से ज़्यादा लेवल और यू रहती है तो वो मैंने शेयर नहीं की, तो आज ब्लीच शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले अच्छे से क्लिंजिंग करना पड़ता है चेहरा, ऐसे बराबर स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि क्लिंजिंग अच्छे से किया तो ब्लीच अच्छे से बैठ जाता है चेहरे पे, तो मैंने पहले क्लिंजिंग अच्छे से कर रही हूँ। जैसे फेशियल में स्टेप लेते हैं वैसे ही क्लिंजिंग में स्टेप लेना पड़ता है। और कॉटन से अच्छे से पोंछ डालूँगी, क्योंकि ये कस्टमर गए थे बाहर और मार्केट में, और जब भी हम मार्केट में जाए तो बहुत धूल मिट्टी स्किन पर बैठ जाती है। तो इस तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ अभी चेहरे को अच्छे से, और थोड़ा सा पीछे से भी क्लिंजिंग करूँगी, क्योंकि चेहरे पे क्लिंजिंग किया तो पीठ पे भी क्लिंजिंग करना पड़ता है अच्छे से, तभी ब्लीच का रिजल्ट बहुत ही अच्छे से आता है। और आपको आवाज़ आ रही है बाहर की, उसके लिए सॉरी, ऐसा रोड पे घर है तो आवाज़ आती रहती है, शायद बाजू में बोर है उसकी आवाज़ आ रही है, बोर कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं और थोड़ा क्लिंजिंग लिया है और अच्छे से पीठ की मसाज करूँगी, क्योंकि मैं क्लिंजिंग भी अच्छे से करती हूँ ताकि ब्लीच का रिज़ल्ट अच्छे से आ जाए। और ऐसा पीठ का सब पोंछ के अच्छे से क्लिंजिंग हो चुका है अभी। तो ये ब्लीच है हमने जो मिक्स करके रखा है, इतना लाइट का फोकस आता है तो ऐसा धुंधला दिखता है, क्योंकि दो चार लाइट तो है ये पार्लर में, तीन लाइट है और शाम का वक्त है, कभी करीब सात साढ़े सात बजे होंगे तो लाइट्स तो सभी लगा लेते हैं हम। और ब्लीच थोड़ा सा अभी फास्ट में ही लगा रहे हैं ताकि अच्छे से हो जाए। और ब्लीच लगाते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखना कि बालों को ना लगे और आँखों के पास भी ना, थोड़ा दूर रखना पड़ता है आँखों से ब्लीच को। तो इस तरह से हम ब्लीच लगा रहे हैं फ्रेंड्स। सावली स्किन पर ऐसे ही ब्लीच लगाते हैं, एक्टिवेटर ज़्यादा लिया है हमने क्योंकि इनकी बहुत ही सावली स्किन है और इंस्टेंट ग्लो भी आ जाता है ब्लीच से। और जब भी आपको पार्टी में या शादी में जाना हो और फेशियल के लिए वक्त ना हो, तो इंस्टेंट ग्लो के लिए पार्टी या शादी में आप ऐसा ब्लीच कर सकते हैं।
आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा एकदम से। तुम देख रही हो कहाँ पे रह गया है या नहीं, वो देखना पड़ता है। कहाँ पे भी जगह सूखनी नहीं चाहिए। हमारा थोड़ा गला बैठ गया है इसलिए हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं आज, और बाजू का आवाज़ भी बहुत आ रहा है बोरवेल का। क्या करें वॉइस ओवर कभी भी करो तो, हमारा रोड पे घर है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आपके इधर कैसी बारिश है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके सभी कमेंट्स के जवाब दूंगी। आज मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, गले में थोड़ा खराश है तो उसके लिए सॉरी, आप लोग समझ सकते हो। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो, गला बराबर ना हो तो हम अच्छे से बात नहीं कर सकते। तो अभी पीठ के पीछे का भी मुझे ब्लीच लगाना है। जितना चेहरे पे लगाओ उतना ही पीठ के पीछे भी ब्लीच लगाना पड़ता है अच्छे से, ताकि स्किन सभी एक जैसी दिखे और सभी स्किन पर एक जैसा ग्लो आ जाए, चाहे चेहरे पे हो या गर्दन पर। एक जैसा ग्लो आया तो स्किन बहुत ही अच्छी दिखती है। और आप क्लाइंट को ये सलाह ज़रूर दो कि जब भी ब्लीच करते हो उस वक्त चेहरे का ब्लीच करते हो उस वक्त हाथों का भी करें, नहीं तो हाथ और चेहरा अलग अलग दिखते हैं। चेहरा गोरा दिखता है और हाथ काले दिखते हैं। तो कोई कोई हमारे कस्टमर हाथों का भी ब्लीच करते हैं। तो इस तरह से मैं कस्टमर का काम करके देती हूँ, और इनका फेशियल भी है तो फेशियल मैं बाद में शेयर करूँगी। आज के वीडियो में ब्लीच ही शेयर किया है। और थोड़ा लगाना है वो चेकिंग करके लगा दूँगी अभी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।